हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में, जो कि कल ही शाम को वर्षा गायकवाड़ मैडम ने एक ट्वीट करके हर एक बच्चों का डाउट क्लियर कर दिया। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके होंगे लेकिन ऑफलाइन होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग के माइंड में था कि ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन, तो अब क्लियर हो चुका है कि ऑफलाइन ही होंगे और उसके डेट भी डिक्लेयर कर दिए, बस टाइम टेबल आना बाकी है। तो चलिए पहले वर्षा गायकवाड़ मैडम को सुन लेते हैं हम। 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा संदर्भामध्ये संवाद साधण्यासाठी बोलत आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ओमिक्रॉन संदर्भामध्ये आपण सातत्याने मॉनिटरिंग करत आहोत आणि हे करत असताना 10वी आणि 12वी ही विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून, पालकांच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचं वर्ष असतात आणि या परीक्षा कशा होणार, कधी होणार या संदर्भामध्ये सातत्याने आमच्याशी विचारणा होत असते आणि आज या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठीच मी या ठिकाणी आलेली आहे की आपल्या माध्यमिक शालांत परीक्षा म्हणजे इयत्ता 10वी आणि उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा म्हणजे इयत्ता 12वीच्या परीक्षा संदर्भामध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती अवगत करण्यासंदर्भात मी बोलत आहे। 12वीची जी परीक्षा असेल ती परीक्षा लेखी परीक्षा 4 मार्च ते 7 एप्रिल या कालावधीमध्ये होणार आहे। त्याचबरोबर इयत्ता 10वीची जी परीक्षा आहे, जी लेखी परीक्षा आहे, ती 15 मार्च ते 18 एप्रिल या काळामध्ये होणार आहे। या व्यतिरिक्त ज्या प्रात्यक्षिक लेखी व तोंडी परीक्षा असतील या 12वीच्या ज्या आहेत त्या 14 फेब्रुवारी ते 3 मार्च पर्यंत होणार आहेत आणि 10वी संदर्भामधल्या ह्या परीक्षा ज्या आहेत त्या 25 फेब्रुवारी ते 14 मार्च या कालावधीमध्ये ह्या परीक्षा होणार आहे। विद्यार्थ्यांना मी सांगू इच्छिते, आपली परीक्षा ही मागील काळामध्ये जशी ऑफलाईन पद्धतीने होत होती त्याच तऱ्हेने ऑफलाईन पद्धतीने होणार आहे। मागील काळामध्ये आपण जसे पेपर देत होता तशाच तऱ्हेचा पेपर पॅटर्न आणि तशाच तऱ्हेचं मूल्यमापन यावेळेला सुद्धा असेल आणि जे मूल्यमापन आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपली परीक्षा जी असते ती आपली परीक्षा लेखी परीक्षा जी असते त्या परीक्षेच्या माध्यमातून जे आपले पेपर असतील त्या संदर्भामध्ये ते असेल। तो जैसा कि आपने वर्षा गायकवाड़ मैडम जी को सुना कि जो आपके पोर्शन से यानी कि 10th एंड 12th के SSC और HSC के जो पोर्शन से वो 25% रिड्यूस होके ही आपको एग्ज़ाम देने हैं, कि जो आपके पोर्शन है उसमें 25% रिड्यूस है। अब जो 25% रिड्यूस पोर्शन है गाइस, वो आपको 2020-21 का ही फॉलो करना है और ये आपको पोर्शन मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या तो आप यहाँ पे सर्च भी करके फाइंड आउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इन क्लास की जो 25% आपका पोर्शन रिड्यूस है उसको तो आपको अटेंड ही नहीं करना है, ठीक है, और जो आपके रिमेनिंग बच के 75% उसमें से ही आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग कि जो 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे यानी कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे वो 4th मार्च से स्टार्ट होगा और 7th अप्रैल तक चलेगा, राइट। तो ऑलमोस्ट ये 1 मंथ हो गए। सेम उसी तरीके से जो 10th के एग्ज़ाम्स है वो 15 मार्च से स्टार्ट होंगे और 18 अप्रैल तक चलेंगे ये। तो इसका जो टाइम टेबल है वो बहुत ही जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग बने रहिए ऑफिशियल वेबसाइट पे और साथ ही साथ मैं भी देख रहा हूँ, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू। चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि अभी से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि आपको अब डेट मिल चुके हैं। जो बच्चे के माइंड में था कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो अब आपको ऑफिशियली पता चल गया कि ऑफलाइन ही होंगे। नेक्स्ट थिंग, आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले आपका जो प्रैक्टिकल होता है या ओरल्स होते हैं या इंटरनल असेसमेंट होते हैं या मूल्यमापन होता है, तो ये सब भी कंडक्ट किए जाएंगे और उसका डेट दिया गया है 12th वाले बच्चों के लिए 14 फेब से 3rd मार्च तक, यानी कि 4th मार्च में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा 12th वाले बच्चों के लिए 14 फेब से 3rd मार्च तक, और जो 10th के बच्चे हैं उनका ओरल प्रैक्टिकल ग्रेड या इंटरनल असेसमेंट होगा या इंटरनल मास एग्जामिनेशन होगा वो 25 फेब से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा 14 मार्च तक, यानी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से एक दिन पहले। और इसी के टाइम टेबल के बीच में आपको हॉल टिकट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा या तो सेल्फ सेंटर भी हो सकता है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है, कि आपके जो हॉल टिकट मिलेंगे वो कब मिलेंगे और आपका सेंटर अगर लगेगा तो कहाँ लगेगा। तो इसके बारे में अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है जो कि हमें बाद में पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग कि जो भी आपके इंटरनल्स
या डेमोन्स्ट्रेशन या कोई एग्जामिनेशन से होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल कॉलेजेस वाले लेंगे, या किसी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या किसी का जनरल नॉलेज का एग्जामिनेशन होगा, ये सब आपके ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। देखो आईटी के जो बच्चे होते हैं उनके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे, जनरल नॉलेज के जो बच्चे होंगे उनके भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, किसी 12th के बच्चे या 10th के बच्चे का वोकेशनल एजुकेशन है तो वो भी ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाएंगे, और डिसेबल कोई है तो भी, राइट। तो इसमें 10th एंड 12th के बच्चे, दोनों बच्चे आ जाएंगे जिनके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही कंडक्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग कि अब जो आपके एग्ज़ाम्स तो पूरे कंडक्ट हो जाएंगे, पूरा शेड्यूल यहाँ पे पता चल गया है, बस आपका टाइम टेबल आना बाकी है। एंड माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन रहेगा कि हमें रिजल्ट्स कब मिलेगा फिर। तो रिजल्ट जो है 12th का वो 2nd week of June में मिल जाएगा, यानी कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले साल तो बहुत लेट हो गया था कोविड की वजह से। और जो 10th के बच्चे का रिजल्ट होगा वो 2nd week of July में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब के बियॉन्ड यहाँ पे आपके जो हेल्थ है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखा हुआ है, ठीक है, या रख के आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो जिसमें स्टूडेंट है, टीचर्स है, एग्जामिनर्स है, ठीक है, हेडमास्टर्स है, और असेसमेंट एक्सपर्ट है, ठीक है, तो ये सब की सबका मतलब हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक पर्सन का हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तो इनके हेल्थ को भी एक प्रायोरिटी, एक इम्पॉर्टेंट दी गई है एग्ज़ाम्स के पहले, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम तो होते रहेंगे लेकिन इसके पहले हर एक बच्चे, हर एक पर्सन का, टीचर्स का, एक्सपर्ट का हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट थिंग क्लास, तो इसी के बेस पे आपका पूरा बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो कि पहली बार हो रहा है न्यू सिलेबस में, ठीक है, यानी कि जो 2020 में न्यू सिलेबस आया था तो उसका एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट किया जा रहा है। तो आई होप सो कि एग्ज़ाम कैसा होगा, पेपर ईजी आएंगे या हार्ड आएंगे अभी किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपके पूरे ऑलमोस्ट 6 months तो ऑनलाइन में ही निकल गए हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन जैसे मिलती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, इसीलिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो 10वीं वाले बच्चों के बारे में दिया हुआ है कि जो उनके प्रैक्टिकल ओरल्स होंगे वो 25 से 14 तक होंगे, दैट इज़ 18 दिन का चलेगा इसमें, ठीक है, और जो रिटर्न होगा वो 35 दिन चलेगा क्लास। तो इस हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल बनाया गया है। तो चलिए क्लास, इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।